हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हाई वेस्ट कंफर्ट पैंट की कटिंग लेके आया हूँ। इस कटिंग में मैंने कम से कम मेजरमेंट अप्लाई किया हो। जी हाँ, मिनिमम मेजरमेंट्स अप्लाई किया हो। मैंने ओनली 4 मेजरमेंट्स लिया हो, लेंथ, वेस्ट, हिप और बॉटम विथ यानी कि मोरी। कम मेजरमेंट इसलिए लिया हो कि जो बिगनर्स है इनके लिए समझने में आसानी हो जाएगी, और दूसरी बात कि ये आपके लिए फर्स्ट स्टेप है। टोटली 2 ट्यूटोरियल मैं पैंट्स के देने वाला हूँ, 2 वीडियो इनफ हो गए। तीसरा वीडियो मेजरमेंट्स पे बनाऊंगा कि मेजरमेंट्स किस तरह से लेना है पैंट का, राइट। तो टोटली 3 वीडियोज आएंगे पैंट कटिंग के। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड मेजरमेंट्स कैसे लेना है, और थर्ड फाइनल जिसमें मैं पेंसिल फिट, बेल बॉटम, स्लिम फिट, कंफर्ट फिट, कंफर्ट फिट, लूज फिट, लो वेस्ट, सब तरह की पैंट्स किस तरह से कटती है वो मैं आपको फाइनल वीडियो में बताऊंगा। ये भी कंप्लीट हाई वेस्ट का ट्यूटोरियल है, मगर आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना। ये वीडियो आपको समझ में आ गया, ये कटिंग अगर आपके समझ में आ गई तो फाइनल सेकंड कटिंग आपके समझने में आसानी से आ जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ऑल पे क्लिक कर देना तो सारी वीडियो की आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कम मेजरमेंट्स में हाई वेस्ट पैंट कैसे कटिंग होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 मेजरमेंट्स, 4 मेजरमेंट्स कौन से वो आपको बता दूँ। लेंथ है 40, वेस्ट है 32, हिप है 38 और बॉटम विथ यानी मोरी है 13, राइट। और दूसरी बात ये कि इस कटिंग के अंदर सीम अलाउंस ऐड है, आपको सीम अलाउंस ऐड नहीं करना, इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर शामिल है, राइट। तो आप ये कटिंग डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले इधर एक सीधा मार्किंग लगाएंगे। सबसे पहले हमको लेंथ लेना है, 1.5 इंच का बेल्ट आता है पैंट में, तो ये हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, तो ये जो मार्किंग है वहाँ पे 1 इंच रखना है हमको सब साइज के लिए, और लेंथ का मार्किंग इधर लगा देना है। 40 लेंथ है हमारी, 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए, ठीक है। तो इधर मार्किंग कर लेना है लेंथ का, और ये 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए, बॉटम फोल्ड के लिए। दूसरा मार्किंग हम लगाएंगे क्रॉच का। पैंट में ये जो क्रॉच का पार्ट होता है वो अगर परफेक्ट आया तो पैंट कंफर्ट होगी। हाई वेस्ट में जितनी हीप होती है इसके 1/4 पे एक मार्किंग लगाना है, तो ये आपका क्रॉच हो जाएगा। तो 38 का 1/4 होता है 9.5, तो ये हमारा क्रॉच का मार्किंग हो गया, जिसको लोग आसन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉच का मार्किंग हो गया। हाई वेस्ट में आपको 1/4 हीप का 1/4 मार्किंग कर देना है। अभी हमको नी लेंथ निकालना है, तो ये जो लेंथ का मार्किंग है वहाँ से जो क्रॉच का मार्किंग, ठीक है, इसको हाफ कर देना है। इधर से 3 इंच ऊपर एक मार्किंग लगाना है, 3 इंचेस अपसाइड, ठीक है। तो ये हमारी हो गई नी लेंथ, एक मार्किंग इधर लगा देंगे। तो इधर से हमारा कटिंग का जो मेजरमेंट है अप्लाई होगा। सबसे पहले 1.25 सवा इंच 1.25 पे एक मार्किंग करना है, ठीक है। इधर से थाई का मार्किंग लगाएंगे हम, थाई का मेजरमेंट नहीं हमारे पास, तो हम हिप का 1/4 करेंगे। हिप का 1/4 होता है 9.5, ये मेथड सब साइज के लिए है। तो हिप का 1/4 9.5 प्लस 1 इंच, सब साइज में 1 इंच बढ़ाना है। इधर से हिप का 1/4 प्लस 1 इंच, राइट। अब ये जो टोटल मेजरमेंट है हमारा, टोटल मेजरमेंट हो गया 12, 12 का हाफ होता है 6, 6 पे एक मार्किंग लगाएंगे, और ये हम पूरा एक सेंटर लाइन बनाएंगे। तो ये हमारा सेंटर है, ठीक है। ये जो मेजरमेंट जितना है इसको इधर मार्किंग करना है, इधर मार्किंग करना है, तो हमको एक सेंटर लाइन मिलेगी। तो 6.25 6.25 तो ये हमने सेंटर पे मार्किंग लगा दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटम का मेजरमेंट अप्लाई करेंगे। तो बॉटम है 13 का हाफ होता है 6.5, 6.5 का होता है 3.25 3.25 सेंटर पे रखेंगे, एक मार्किंग इधर लगाएंगे, एक मार्किंग इधर लगाएंगे 6.5 पे, ठीक है। अभी क्या करना है फ्रेंड, ये हमारा थाई का मार्किंग है ये, ठीक है। तो अभी नी का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, तो मेजर टेप को हम ऐसे रखेंगे,
मार्किंग के अंदर की साइड, ठीक है, ये मार्किंग है हमारा बॉटम का, इसके अंदर की साइड मेजर टेप रखना है। इधर भी जो थाई का मार्किंग है उसके अंदर की साइड मेजर टेप रखना है, और ये मेजर टेप की अंदर साइड में मार्किंग कर लेना है हमको, ठीक है। दोनों साइड में इस तरह से मार्किंग के अंदर साइड मेजर टेप रखना है, इधर भी, और अंदर साइड में हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमको नी का मेजरमेंट मिल गया। अब ये लाइन को स्ट्रेट कर देंगे हम। ठीक है, अब ये वाला शेप वाला स्केल लेना है हमको, और इधर से ये मार्किंग से ये मार्किंग इस तरह से लगा लेना है, इसी तरह इधर भी लगा लेना है। अभी ये जो हमारा मार्किंग है 1.25 है, इसको स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे, और इससे हाफ इंच अंदर एक मार्किंग लगाएंगे, इस तरह से क्रॉस करके, हाफ इंच क्रॉस करके एक मार्किंग लगा देना है, ठीक है। अभी ये इसको हम राउंड कर लेंगे, इधर एक राउंड का मार्किंग लगा दिया। अब वेस्ट है हमारी 32 का होता है 1.48 प्लस, दोनों साइड में हाफ हाफ इंच मार्जिन आएगा, तो मार्जिन के लिए सीम अलाउंस के लिए एक इंच बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 9 पे मार्किंग लगाना है। अभी अगर इधर टक्स देना चाहते हो तो टक्स अगर देना है तो एक इंच और एक्स्ट्रा मार्किंग लगा लेना है। मैं यहाँ पे टक्स नहीं देने वाला, इसलिए 9, ये जो 9 का मार्किंग है ये मार्किंग इससे मिला दूंगा। अगर हमको टक्स देना है इधर तो एक इंच एक्स्ट्रा पे ये मार्किंग लगाएंगे, राइट, मगर यहाँ पे हम टक्स देने वाले नहीं है। अब ये जो इधर पॉइंट बन रहा है हल्का सा, इधर जो हल्का सा पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट को ख़त्म कर देना, स्ट्रेट कर देना, ठीक है। अभी ये जो सेंटर है वेस्ट का 9.5, यहाँ पे हाफ इंच नीचे एक मार्किंग लगाएंगे सेंटर में, इसको मिलाना है और इसका एंड पॉइंट मिलाना है, ठीक है, और ये ऐसे एक मार्किंग कर देना है। ये तो ये हमारे फ्रंट का ड्राफ्टिंग हो चुका है, ठीक है, तो इसका हम अभी कटिंग कर लेंगे। फाइनली फ्रेंड्स, ये फ्रंट का कटिंग हो चुका है, अभी हम बैक का कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बैक कटिंग के लिए हम फ्रंट को इस तरह से रख देंगे, नीचे मिला देना है, 3 इंच जितना इधर छोड़ देना है, 3 इंच जितना इधर छोड़ देना है, ठीक है। अभी आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि जो 13 बॉटम था हमारा, तो हमने 13 का हाफ 6.5 अप्लाई किया और वहीं पर कटिंग कर दिया, मतलब सेम अलाउंस हमने ऐड नहीं किया है, जितना बॉटम था उतना ही कटिंग कर दिया। तो भी आपको यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि जो दोनों साइड में अगर हम दोनों साइड में स्टिच करते हैं तो 1.5 यानी 1.5 इंच का मार्जिन इसमें जाएगा। तो ये 1.5 इंच का जो मार्जिन है सीम अलाउंस, हम बैक के अंदर ऐड करेंगे, तो इससे हमारा सीम अलाउंस ऐड हो जाएगा, बैक हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, और ये हमको दोनों साइड से बढ़ाना है, 1.5 हम दोनों साइड से बढ़ाएंगे, 3.4 इधर 3.4 इधर 3.4 इधर 3.4 इधर, राइट। फिर ये ऊपर वाले पार्ट में क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम थाई का मार्किंग कर लेंगे, एक मार्किंग इधर, और दूसरा एक चीज़ का ध्यान आपको इधर रखना है, इधर हम स्टिच का मार्किंग लगाएंगे, कटिंग का मार्किंग नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे इधर हम जहाँ पे स्टिच होने वाली है वो मार्किंग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पैंट में कभी सेंटर ओपन भी हो सकता है, साइड ओपन भी हो सकता है, तो अगर साइड ओपन होता है तो साइड में मार्जिन होता है, इधर हाफ इंच का मार्जिन होता है, ठीक है। अगर सेंटर ओपन होता है तो इधर हमको ज़्यादा मार्जिन लेना पड़ता है लूज टाइट करने के लिए। तो ये मार्किंग हम सिर्फ जहाँ पे स्टिच लगती है वहाँ लगाएंगे, इसलिए हाफ इंच नीचे हमको मार्किंग करना है। ये नीका मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अभी हमको 1.5 दोनों साइड से बढ़ाना है, तो 3.4 पे इधर मार्किंग करेंगे, 3.4 पे इधर मार्किंग करेंगे, इसी तरह इधर इधर, ठीक है। अब ये हम इसको लाइन खींच लेंगे,
फ्रेंड्स सब साइज के लिए आपको इसी तरह से कटिंग करना है। इधर हमने दोनों साइड 3/4 लिया, इधर हम 1 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। ध्यान से देखना इसको, इधर 1 इंच पे मार्किंग लगाएंगे और ये सेप वाला स्केल रख के इसको मिला देंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, 38 हिप है हमारा, 38 इंचेस था तो हमको यहाँ पे 38 सेंटीमीटर, ये इधर इंचेस होता है तो इधर सेंटीमीटर होता है, तो ये जितना हमारा हिप है उतना सेंटीमीटर हमको इधर रखना है, तो ये 38 सेंटीमीटर पे हम मार्किंग लगा देंगे। ये सब साइज के लिए है, ठीक है। और ये इसको हम मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अभी क्या करना है, ये चीज हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम इधर से फ्रंट से ढाई दूरी पे एक मार्किंग लगाएंगे सभी साइज के लिए और ये इसको हम मैच कर देंगे ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, ठीक है। अभी हमको ये मेजरमेंट देख लेना है, ये जो मार्किंग है यहां से लेके इधर तक, ठीक है, 9 and 3/4 है तो हमको 9 and 3/4 इधर मार्किंग कर देना है, ठीक है। फिर इधर हम वेस्ट का मेजरमेंट अप्लाई करेंगे, 32 वेस्ट है तो 32 का 1/4 होता है 8 प्लस 1 इंच का डार्ट लगाएंगे हम, ठीक है, तो ये 9 पे हमारा स्टिच आने वाला है, तो ये मैंने पहले बताया, जैसे ये हम जो मार्किंग लगाएंगे उस स्टिच का मार्किंग होगा, इसके ऊपर स्टिच आएगी। फैब्रिक हमको अगर साइड ओपन है तो 1/2 इंच मार्जिन रख के कटिंग करना है, अगर सेंटर ओपन है तो 1.5 इंच जितना मार्जिन रख के कटिंग करना है, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया वेस्ट का 1/4 8 प्लस 1 इंच का डार्ट, ठीक है। अभी ये जो नी का सेंटर है इधर मेजर टेप रखेंगे और ये जो हमने मार्किंग लगाया अभी तो ये 22.5 है, तो ये 22.5 इधर मार्किंग कर देना है इस तरह से। इधर से ये मेजरमेंट जितना आ रहा है इतना इधर हमको मार्किंग कर लेना है 22.5, ठीक है। और ये इसको हम मिला देंगे इस तरह से। अभी हमको एक मार्किंग हिप का लगाना है, तो हिप का मार्किंग हम क्रॉच से 2.5 इंच ऊपर लेंगे, क्रॉच से 2.5 इंच ऊपर पे एक मार्किंग लगाएंगे, ये जो है हिप का एरिया है, ठीक है। अभी हिप है 38, तो 38 का 1/4 होता है 9.5 प्लस 1 इंच इसमें ऐड करना है तो 10 इंच होगा, तो ये 10 इंच पे हमको नीचे की तरफ मार्किंग करना है ये, ठीक है। अब ये मार्किंग और ये मार्किंग को मिला देना है, ये वेस्ट का मार्किंग और ये हिप का मार्किंग, ये दोनों को मिला देना है, ठीक है। और ये इसको हम यहां से जो हिप का जो मार्किंग है हमारा इधर से हम ये इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पैंट का ड्राफ्टिंग हो चुका है। इधर हम डार्ट के लिए मार्किंग लगाएंगे, तो ऊपर से 4 इंच लेंगे, ठीक है, और इधर से 10 ये होता है 10 का हाफ होएगा, 10 का हाफ होता है 5 पे मार्किंग लगाएंगे, ठीक है। तो इधर हमारा 1 इंच का डार्ट लग जाएगा, भी फ्रेंड्स आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये जो कटिंग हमारा होने वाला है ये पूरा मार्किंग पे कटिंग होने वाला है, ठीक है। ये चीज अगर हम साइड ओपन रखते हैं तो 1/2 इंच मार्जिन रख के कटिंग करना है इसको, ठीक है। अगर फ्रंट ओपन रखते हैं तो इधर 1.5 इंच जितना मार्जिन रखना है और इधर 1/2 इंच कर देना है, ये इधर 1/2 इंच कर देना है, इधर 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन कर देना है, ये इसलिए कि अगर पैंट लूज करनी पड़ी तो ये मार्जिन हमारा यूज में आ सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि लास्ट वीडियो में मैंने जो प्लाजो की कटिंग बताई थी स्कर्ट प्लाजो की, अगर आप स्कर्ट प्लाजो कटिंग कर रहे इस पैटर्न से तो आपको ये कम्फर्ट फिट है, प्लाजो में हमको थोड़ा लूज फिट रखना पड़ता है, तो अगर आप ये पैटर्न से प्लाजो कटिंग करोगे तो आपने देखा होगा मैंने सीम अलाउंस इसमें ऐड किया था,
तो आपको भी सेम अलाउंस ऐड करना है अगर प्लाजो कटिंग कर रहे हो, स्कर्ट प्लाजो कटिंग कर रहे हो तो, क्योंकि ये कंफर्ट फिट है, कंफर्ट फिट प्लाजो में नहीं चलेगी, हमको थोड़ा लूजिंग देना पड़ेगा। तो आपको दोनों साइड में सेम अलाउंस ऐड कर देना है, बीच में से कटिंग कर लेना है जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर पैंट बनाना चाहते हो तो आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो, तो उसमें आपका फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड वीडियो में लो वेस्ट, बेल बॉटम, नैरो फिट, स्लिम फिट, सब पैंट्स, सब टाइप की पैंट्स मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक स्टेप के हिसाब से मैंने कटिंग का मेथड बताया जो कंप्लीट है। तो चलिए बैक को कटिंग कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, सब तरफ से आपको मार्किंग पे ही कटिंग करना है, सिर्फ ये पार्ट छोड़ के। जैसे मैंने बताया, अगर सेंटर ओपन रखना है तो आपको कम से कम डेढ़ छोड़ के कटिंग करना है, ठीक है। इधर हम इधर हाफ इंच कर देना है, ठीक है, इधर डेढ़ इंच जितना रख देना है। और अगर हम साइड ओपन रखते हैं तो इधर हाफ इंच का मार्जिन रख के कटिंग कर देना है। और मार्जिन हमको जीप के लिए, साइड ओपन के लिए इधर मार्जिन हमको बढ़ाना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे भी मार्जिन रख सकते हैं एक्स्ट्रा, अगर जैसे थाई आपको लूज करना है तो इसके लिए आप इधर भी मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, मगर जब स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग आपका इधर से होने वाला है, ठीक है। ये हाफ इंच अंदर से स्टिचिंग होगा इसका, ये दोनों को ऐसे मिला देना है स्टिचिंग के टाइम पे, हाफ इंच अंदर से स्टिच होगा और ये मार्जिन आपका एक्स्ट्रा रहेगा। नी तक अगर आप चाहो तो मार्जिन ले सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारा, अगर आप नहीं लेना चाहो तो मार्किंग पे कटिंग कर देना है, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो हो गया कंप्लीट। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये आज का वीडियो हुआ कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।